Robot takes care of the child. Vicky! हेलो, हाँ बिल्कुल सही नंबर है। पापा आपके लिए फोन है। आया बेटा। अरे हाँ गांको, किसका फोन आया हुआ है? ये फोन मिस्टर इज़र का है और वो पापा के फ्रेंड है। मिस्टर इज़र, वो तो तुम्हारे पापा के बॉस है। माफ करना बच्चों, आज घूमने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ? अरे नहीं, आपके बॉस ने फिर से छुट्टी नहीं दी। उन्होंने मुझे आज शाम तक अपने बेटे का ध्यान रखने को कहा है। तो क्या आपने उन्हें इसके लिए हाँ कह दिया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल भी नहीं, बहुत पहले से हमने वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया था, आपने प्रॉमिस किया था ना। हाँ मैं जानता हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चों तुम जानते हो मिस्टर इज़र प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, अगर वो प्रेसिडेंट बने तो तुम्हारे पापा को फायदा होगा। इसलिए तुम ये बात समझ लो कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, समझ गए? मिस्टर सुआ, मेरा बेटा बहुत शैतान है, उस पर लगातार नजर रखना। आपके बेटे का ध्यान रखने में मुझे खुशी होगी सर। चलो यासुहिरो, सबको हेलो करो। हाँ ठीक है, मेरा नाम यासुहिरो इज़ुरे है। आओ बेटा अंदर आ जाओ, पर हमारा घर थोड़ा छोटा है। सचमुच ये तो बहुत छोटा है। ये लो नाश्ता कर लो। आंटी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए आप मुझे नाश्ता देने की बजाय पूरा खाना दे दीजिए, वो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अरे हाँ मुझे याद आया, मैंने चावल के कुछ केक बनाए थे, क्या तुम वो खाना चाहोगे? अरे नहीं, आप तो मेरे साथ मजाक कर रही हैं। थोड़े दिन पहले जब मैं मिस्टर मात्सुशिता के घर पर गया था तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी दो दो डिशेस खिलाई थी जो कि बहुत टेस्टी थी। अच्छा मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें चाउमीन बनाकर खिलाऊंगी ताकि तुम मेरी भी तारीफ करो। ए चिंकी, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, अपना खाना खाओ ना। क्या कहा? मुझे चिंकी कहने की जरूरत नहीं, मेरा नाम गांको है। गांको? कितना गंदा नाम है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे नहीं 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 गांको, इतना गुस्सा मत करो, जाने दो, छोड़ो उसे। ये मम्मी पापा भी ना बस, उन्होंने मुझे ऐसे बिगड़े हुए बच्चे की देखभाल करने का काम क्यों सौंपा। ये रही मेरी चाल, बोलो कैसी लगी? अरे ये तुमने कैसे किया? मैं इस खेल में बहुत पहले से बाहर हूँ। तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। गुस्सा करने से क्या फायदा, मैं तो जीत चुका हूँ। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं हार गया और तुम जीत गए? तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हारे पापा को नौकरी से निकलवा सकता हूँ। अरे अरे ऐसा मत बोलो, ठीक है मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ कर दो। हेलो कैसे हो? बको बोबी, तुम लगता है तुम कुछ बिजी हो, वैसे हम तुम्हारे साथ खेलने आए थे। अच्छा तो क्या तुम सब परमान के फ्रेंड हो? नहीं नहीं मैंने सही कहा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मौज मस्ती का मूड खराब कर दिया। कोई बात नहीं, तुम इसके बारे में मत सोचो, बल्कि परेशानी तो तब होगी जब तुम्हारे पापा की सर्विस छूट जाएगी। साथियों बहुत जरूरी काम है, इसलिए प्लीज जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करो। हम पहुंच रहे हैं। सॉरी दोस्त, अब तुम्हारी स्काई राइड हमें रोकनी होगी। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ मजे करने हैं। याशिरो तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। मैं अपने पापा से कहकर तुम्हारे पापा को नौकरी से निकलवा दूंगा। ये सचमुच जिद्दी लड़का है। सुनो रोबोट, अब तुम मित्सुओ बनकर यहाँ घर पे रहना, चलो। ओहो क्या करूँ, अब मुझे इस बिगड़े बच्चे को झेलना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब तुम मेरे साथ खेलने के लिए तैयार हो, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अरे तुम लोग झगड़ा करके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, मैं यहाँ तैयार खड़ा हूँ, बॉल फेंको। चलो वहाँ। अरे बेवकूफो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर मुझे प्रैक्टिस करनी है, चलो निकलो यहाँ से। क्यों निकले, हम यहाँ पहले आए थे। मैं कुछ नहीं जानता, चलो निकलो यहाँ से। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं मित्सुओ के पापा के बॉस का बेटा हूँ।
और अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें उसे कहो यहाँ से निकल जाए। अरे तुम ये कैसा मजाक कर रहे हो? अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपने पापा से तुम्हारी शिकायत करूँगा। मैं क्या करूँ? जाओ उसे भिड़ो। तो अब मैं तुम्हारी खबर लेता हूँ। पापा, बचाओ पापा। आ जाओ, अब जरा इधर आओ। पापा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें अकेला छोड़कर बाकी सब लोग कहाँ चले गए? देखो हमें तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सब पापा को ब्लेम करेंगे। वो तो सचमुच एक मुसीबत था। हाँ तुमने सही कहा परमैन, पर अब तक तो वो चला गया होगा, है ना? हाँ तुम ये ठीक कह रही हो। मेरे बेटे का ध्यान रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर ये अपने घर वापस जा ही रहा है। मेरी समझ में नहीं आता आखिर ये मित्सुओ कहाँ चला गया। ये मित्सुओ तो बहुत ही लापरवाह है, पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ समझ में नहीं आता। मेरा रोबोट कहाँ चला गया? मेरी तो हालत खराब कर दी, ये सब मित्सुओ की वजह से हुआ। पापा, मैं अपने पापा को इस मित्सुओ के बारे में सब कुछ बताऊंगा और उसके पापा नौकरी से निकल जाएंगे। अब ये कौन है? वो तो कोई बदमाश है। ए, रुको। वो सचमुच का यासुहिरो नहीं है, मैं असली यासुहिरो हूँ। अरे ये तो मेरा रोबोट है। पापा मैं असली यासुहिरो हूँ। अरे रुको रुको, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? पता नहीं ये कौन है। सर आप एक काम करिए, आप घर चले जाइए, जल्दी से निकल जाइए यहाँ से। मत जाइए पापा, मत जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। बता नहीं ये कौन है। कोई भी हो हमें क्या, जब से वो गया है मैंने तो चैन की सांस ली है। मैं ही आपका असली यासुहिरो हूँ, अब आपको कैसे यकीन दिलाऊं? याशिरो तुम? परमैन। याशिरो मैं तुम्हें इस मुश्किल से छुटकारा दिला सकता हूँ। आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? असल में मित्सुओ ने मुझे बताया था कि तुम सच की याशिरो हो, क्योंकि वो तुम्हें अच्छी तरह जानता है, इसलिए तुम्हारी मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी अपने पापा की पोजीशन का गलत फायदा नहीं उठाओगे, जिससे कि किसी को भी परेशानी हो। क्या तुम ऐसा करोगे? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अब मैं जैसा कहूँ वैसा बस तुम करते जाओ। चलो अब हम चलते हैं। शुरू हो जाओ। ये क्या भूकंप आ रहा है? चलो जल्दी निकलो बेटे। लगता है भूकंप शांत हो गया। यासुहिरो, यासुहिरो! पापा! ओ भगवान का लाख लाख शुक्र है। का शो बड़े ही कमाल का है, खासकर बच्चों के लिए। तुम आ गए? तो तुम यहाँ हो? हाँ पापा, बोलिए। अच्छा ये बताओ मित्सुओ, जब यासुहिरो घर आया था तुमने उससे क्या कहा था? कुछ नहीं। मेरे बॉस ने यासुहिरो को यहाँ रखने के लिए शुक्रिया भी अदा किया, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर यासुहिरो यहीं रहता है तो काफी कुछ सीखेगा। मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। अजय सुनिए, कोई आया है। अरे सर आप यहाँ? असल में हमारे डायरेक्टर मिस्टर इजुरे ने हमें बताया कि जब से उनका लड़का आपके घर रुका है वो सुधर गया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप मेरे पोते को भी थोड़े दिन अपने घर पर रखकर सुधारेंगे। अरे शिनिशिरो जरा अंदर तो आओ।